ऑटो स्टॉक्स में से कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई पिक है क्या? देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरे पास दो चॉइसेस है। एक तो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा बोला है, बहुत ही स्टेबल कंपनी है और यहाँ पे खोने के लिए बहुत कम है, अपसाइड के लिए काफी अच्छी जगह है। लेकिन अगर इनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है तो मैं तो समझता हूँ कि अभी जो टाटा मोटर्स का शेयर बहुत गिरा है, ये टाटा मोटर्स का शेयर आपको देखना चाहिए कि मैनेजमेंट ने बहुत ईमानदारी के साथ कहा है कि पहला क्वार्टर बहुत खराब आएगा, सेमीकंडक्टर के चिप्स नहीं मिल रहे उसलिए नतीजे खराब आएंगे। लेकिन कल का कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है, उन्होंने कहा है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है और हम सेकेंड हाफ में अच्छी तरह से बाउंस हो जाएंगे। तो टाटा मोटर एक ऐसा शेयर है लवजी, जो बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है और यहाँ पे काफी FIIs ने 450 का भी टारगेट दिया है। मेरी राय में इस लेवल से अगर इनको रिस्क लेने की ताकत है तो थोड़ा सा जरूर एक्यूमुलेट करिए। साल भर में अगर चीजें नॉर्मल होती है, कोविड नॉर्मल होता है, फिर सेमीकंडक्टर चिप्स के भी सिचुएशन 3-6 महीने में ठीक हो जाएगा तो रिबाउंड बहुत तेजी से आएगा और ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एक ही नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है कि कर्जा अगर इनका बढ़ता है तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये मार्केट में है तो मेरे ख्याल से 20 लेवल से अगर ये एंटर करना चाहेंगे तो अच्छा खासा अपसाइड टाटा मोटर्स में भी मिल सकता है। जी, और करीब 5-6 ब्रोकरेज हाउसेज ने इस पे बहुत पॉजिटिव रुख रखा है, और या तो उसको 400 के आसपास ही बनाए रखा है जो टारगेट है उनका पहले से जो दिया हुआ था, या उसको और ऊपर इंक्रीज भी कर दिया है। तो आप कल की कमेंट्री के बाद में 425 और 450 तक के टारगेट से कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेज ने इसमें दिए हैं, तो इसलिए भी एक स्ट्रॉन्ग उसके अंदर में कॉन्फिडेंस बनता है। और बाकी सारी चीजें तो अविनाश जी पहले भी बता चुके हैं, हम लोग इससे पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके थे कि ये जो चिप्स वाला या ये वाले जो क्राइसिस है ये बहुत ही मोमेंटम है, ये बहुत ही टेम्परेरी है और उसके बाद वापस, और तो ये अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, मतलब इसको मौके की तरह देखा जा सकता है। अविनाश सर, पूरी एंट्री इसी लेवल पे ले ली जाए 311-12 के आसपास, या कुछ कम करके? मेरे ख्याल से 50% अभी ले लीजिए, और अगर मान लीजिए स्टॉक 300 के नीचे जाता है जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर और थोड़ा ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नीचे के लेवल या सपोर्ट लेवल 290 और वहां तक है, तो 300 के आसपास या उसके अगर आसपास नीचे मिलता है तो फिर और एंट्री करी जा सकती है। मुझे लग रहा है कि देखिए एग्रो थीम बहुत स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, फिर यूनाइटेड फॉस्फोरस है, यहाँ पे नजर रखिए। मुझे लग रहा है कि दोनों काउंटर्स में अच्छे खासे अपसाइड आने वाले 3 से 6 महीने में मिल सकते हैं। हालांकि लोगों का मानना है और काफी एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि पहला तिमाही थोड़ा सा नरम हो सकता है, बट मेरे हिसाब से महिंद्रा की सबसे बड़ी पॉजिटिव ये बात है कि ऑटो और ट्रैक्टर्स के ज्यादा अलावा उनके पास बहुत सारे दूसरे बिजनेस है, क्योंकि वो ग्रुप की पेरेंट कंपनी है और भाव काफी अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर 6-8 महीना कोई रहता है तो 900 950 का प्राइस मिल सकता है, प्लस काफी FIIs भी इसके ऊपर पॉजिटिव है। आपको कहीं ना कहीं अभी वो तो पूरी तरीके से तो नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक दिख रही है। क्या मैं ये मानूं कि टाटा मोटर्स का रब ऑफ है जिसको आप मारुति पे भी देख रहे हैं? नहीं एलेक्स, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आप देखो, ये पिछले पूरा 1-1.5 साल में टाटा मोटर लीडर रहा है और जब भी कभी कोई लीडर में सप्लाई आती है, रीजन कुछ भी हो, वो इंडिकेशन देता है कि शायद से वो सेक्टर में सेल ऑफ आएगा। रोहन सर, एक सवाल है रोहित जी का सेटको ऑटो पे। सेटको ऑटो और उसके अलावा ऑटो सेक्टर को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम सुबह कई बार डिस्कस कर रहे हैं ऑटो सेक्टर को, और उसमें बड़ी मिक्स सी राय निकल रही है ऑटो और ऑटो एंसिलरीज दोनों पे। देखो, सेटको ऑटो ये शायद से स्मॉल कैप वाली कंपनी है, तो इसपे ऐसा कोई खा मुझे ऐसा बुलिश नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर ही काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक चल गए। तो मैं इन्वेस्टमेंट की राय इसमें नहीं दूंगा, सेटको ऑटो में। और अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करें, मैं ऑटो सेक्टर इंडेक्स का चार्ट निकाल रहा, तो जी ऑटो सेक्टर इंडेक्स में एक है कि डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, जो कि वो डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे मैं करेक्शन एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ ऑटो स्टॉक में। जैसे कि अभी टाटा मोटर्स का अगर आपने देखा रहेगा कि उसमें करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, अभी मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आपको दिया था शॉर्ट करने के लिए। तो ऑटो स्टॉक से इस टाइम पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के पास सारे ऑटो स्टॉक आ चुके हैं और वहां से जो है कि करेक्शन में एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ ऑटो स्टॉक में।
सारे ऑटो स्टॉक। ठीक है, ऑटो सेक्टर में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं रोहन जी, और उससे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। लास्ट टाइम हमने टाटा मोटर की बात करी थी, तो टाटा मोटर का जो रेट उस वक्त चल रहा था वो था 350 के आसपास, 345 के आसपास टाटा मोटर ट्रेड करा रहा था। यहाँ पे मैं इसका आपके सामने वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। अब वीकली चार्ट जब मैंने यहाँ पे लगाया था तो वहां पे ये था कि जो टाटा मोटर था वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास बार बार काम करा रहा था। इसका जो रेजिस्टेंस था वो 355 के आसपास था, और वहां पे ये बोल दिया गया था कि ये ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, क्योंकि मार्केट क्या है, डेली चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो डेली चार्ट के ऊपर ये बार बार क्या कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे क्या थे नेगेटिव डाइवर्जेंस थे, तो वहां पे क्लियर कट बोल दिया था कि ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है और आने वाले टाइम पे आपको 310-320 रुपए के रेट आपको टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी।